मारे गोमो बार जको फार्म हाउस बनायोड़े उठे बोंदोड़ी पया हाले में फार्म हाउस होया करे हो के फार्म हाउस बनायोड़े कि बठे बांधोड़ी यू इतने में अबे गोड़ी ने लाइन ने कही था कि हेड जी खोटा बोले लार बाड़ा में गोड़ी बांधोड़ी हिन हिनाई जोर मु और गोड़ी जुई हिन हिनाई छोटिये भाई कहो के ओ भाषा आ गोड़ी तो बोले पड़ी थे को के भाम आउसे तो भाषा कहो के तू गोड़ी री भाषा समझ गयो मारी को नहीं समझियो मन देवड़ी गोड़ी तू घोड़ी री भाषा तो समझ गयो मारी भाषा समझ के मने देवड़ी कोनी ए नरसीरा भाई है नवा बेल देवड़ा कोनी भले लारे बांदोड़ा के है ही कोनी अब गांव में नरसी बैठो विन था कोनी के भाई कने नवी गाड़ी नवा बेल है के नहीं और वर्णन आवे कि गया लाई गवाड़ में बैठा था बेलिया और नरसी जी जा कहो उठो भाई मेलिया थे बजो राम राम उठो भाई मेलिया थे बजो राम राम हर नन्ही मैले मांग रहे सारी सी जो काम हकी हर नन्ही मैले भाहे रारो सारी सी जो काम हकी माता लो मर माता दीते नहीं मीना तो मरवा का बीरा दिन नहीं आज नी मल्ले माहे रहे सारी सी जो काज हकी हर ननी बैरे माहे रहे सारी सी जो काज हकी पूछड़ा पकड़े नरसी खड़ा तो किया पूछड़ा पकड़े नरसी खड़ा तो किया तबा का सींगड़ा सो पकड़ लिया टूटा भागा सिंगड़ा तू पकड़ लिया रे हरी अब गाय ने बैल ने उठाना वाली एक ही तरीको थे कितने किच 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 कुछ भी करो अगर आराम में बैठो तो उठे कौन थोड़ी पूछ मरोड़ी हो तो जटा खड़े हो जाओ पूछ मरोड़ी पर बूढ़ा बैल आधा अधूरा खड़ा हुए बेर नीचे बैठे आधा अधूरा खड़ा हुए बेर नीचे बैठे नरसी जी वा पूछ मरोड़ी आधा जुई खड़ा है नरसी जी लपक आगे आया सिंगड़ा पकड़ लिया और सिंगड़ा पकड़ बैलियों ने खड़ा किया के भाई थोड़े मरनो हने कोनी हने ही मरनो चार दिन पचे ही मरनो तो चोखो काम कर पचे मरो तो जस मिलेला नानी भाई रे मायरा रो काम सारो इतने में माटे उठिया नहीं तो बेलिया बे कर मुंडो खोलियो और नरसी जी ने हंसी आई क्यों हंसी आई बेलिया ने मुंडा आड़े वे जो खाली रा खाली एक दांत नहीं नरसी जी केवन लगा बोधी मिल गई काटोली ने बोधा मिल गया जान दे मिली काटोली ने बोधा मिल गया जल से चलिया राम खड़ा मान ताड़ न दंत हसी हर बेलिया राम खड़ा माही ताड़ न दंत हसी एक भी ताड़ नहीं एक भी दंत नहीं लारे रह गया आड़ा रे डोकरा कद भेरेला माड़ा है हालत हो जाए नी बच्चे कृष्ण कृष्ण भी कोनी निकले कुशन कुशन निकले दांत रहते हुए कृष्ण को जप लो तो अटे हालत होगी आड़ो ही आड़ो अब वही जी बात के धर्म की गाय के किया सींग पूछ लार लगाया अब सोचियो जो तू गाड़ी तो तैयार हो ही गई है अबे थोड़ा भाइयों ने पाचो जाऊं प्रो कने आले तो ठीक नहीं तो थोड़ो गणा जस तो दे दू नहीं तो कई के नरसी माने पूछिए कोनी और नरसी जी भाया के ने आया नरसी जी पी रहे छे अब भाया के दुआरे
जी फिरे छे अभी माया के द्वार। जाहिरो चालड़ने बीरा हो जावो तैयार हकी, अरे माहिरे चालड़ने बीरा हो जावो तैयार हकी। मारे तो घर में छे नरसी काम गणो, अरे तो घर के बाहे गणो छे काम। सूर्या स्वामी ले जाता रे भजे राम राम हरी। ओ भाई जी थेन भोजाई टाबर हालोकन थोड़ो मार चोखो लाग जे, मैं थार दे मोडिया गोया नी, मोरे घर बार गणई है टाबर रे स्कूले, आ जाई जन मन रोटी कौन गाली, मैं जाऊं जन दुकान कौन हमाली। एज मेहता जी होता तो एक महीनो पहली हुई और कौम लाग जावता भाई घरे यार, पर आज भगत जी हैं जने कहवे मोरे घर में गड़ई कौम है, थार लार मोडिया वे जो फिरो को नी, थारे ये मोडियो ने ले जा, थारे हूरियो ने ले जा, थारे रोम रोम करीर भरी जय मर। नरसी जी मन में सोचे आजा तो मारा है भगत ही जाई मारे, पर थोने पूछनो जरूरी है। अंत में नरसी जी का चलो एक कोशिश और कर ली जावे, और भाइयों ने केवन लगा नानी बैरे माहे रारो भाया जसलो, नानी बैरे माहे रारो भाया जसलो, अरे सुने ना चलो तोरी पेट कामड़ो तो जोरे हरी, अरे सुने ना चलो तो एक एक कापड़ो तो जोरे हरी। माफी तो नहीं चैनल सी एक तका की पूछो, माफी तो नहीं चैनल एक टका की पूछ, माया के भरोसे क्यों पटायली नी मोच हकी, अरे भाया रे भरोसे थे मुड़ायली नी मोच हकी। भगत बचल प्रभु सारे सब काज, भगत बचल प्रभु सारे सब काज, नानी भाई दे माये नारी सावरा में लाज, सीता राम जी ने लाज राधे राम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि। केड़ो सुंदर जवाब दियो, एक कपड़ो तो को नहीं दे सकता के, लोगों की धारणा इतनी खराब है, या तो देवी को नहीं जरूरतमंद रे कोई काम पड़ी नहीं, या तो कपड़ा भी जा देवी को नहीं, और देवी तो एड़ा देवी के दी पची बर पुरोण हो आप रो पड़ी हो कोई कौम रो नहीं हो है। क्यों भाई गरीब री बेटी ने चोखा कपड़ा पहन रो हक को नहीं हो, अरे पैसा वाला के थे कितो ही करो वो व्यवहार कुशलता है, थे मोरे करो तो वो थोड़े करी की मोटी बात है, वो नहीं भी करी तो दे थोड़ा ऊंचो बताओ ने चोखो करो ना, अपनी सबरी कमजोरी है। लेकिन जरूरतमंद होवेला नहीं वटे पुरानी मु पुरानी गंदी मु गंदी चीज देवणी कोशिश करेला, बुद्धि एड़ी कोई की घर में हेठ जी पैर नहीं होई तो धोती आई सेंचुरी मिल रही, और महाराज ने लावणी होई तो चार मीटर है, महाराज एक बार धोवे तो वो रुमाल बन जावे। थोड़ा सा भगवान रे निमित्त अगर कुछ करना है तो जो बोएगा वही पाएगा। मर एक बात याद आएगी बताए तू, एक बुजुर्ग माता जी हा काफी बुजुर्ग, ईज धारणा रहा जो बात चल रही, गांव में एक बार कथा हुई, कथा बांची थी, वह रोज जाऊंता दूजे तीजे दिन महाराज कह दियो कथा में के भाई गुरु रे घरे सत्संग में कथा पंडाल में बेटी रे घरे खाली हाथ नहीं आनो चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाओ। अब माता जी मन में आई कहीं ले जाओ, पहुंच गई सत्संग जावण मु पहली थोड़ी देर पहली के बाजार मु होई निकल जाऊं कीर की ले जाओ। अब गाड़ा कने गई अर के भाइयों एक हाका कर तो, कई हाका कर तो, चीकू 40 रुपया किलो, चीकू 40 रुपया किलो। माता जी गई कने भैया की कर दिया रे के 40 रुपया किलो है, मां
थे तो दुनिया लूटन निकली नौका लूट 40 रुपया कोई भाव है मोरी टेम तो चीकू एक ओने में मिल जाऊं तखिलो हमें थोड़ी टेम गई माँ हमें मिले कोई नहीं हमें ओनो ही कोई नहीं भाई देवे तो हावल दे नहीं तो भरकन कुन माँ तज गणो गणा अड़ती लगा दो अड़ती बढ़ती कहीं कुन आई अपनी कमजोरी मेडिकल वाला अगर केवे नहीं के 11 रुपया 99 रुपया तो 12 रुपया दे बापड़ो हा गालो आखो दिन तावड़े में बड़े 10 रुपये पा मऊ लगाई कहीं कर ले वो 1 रुपया रु बाड़ तावड़े में बड़े 10 दे दो कनी कौन दे आई जालते 38 रुपया किलो है इतना महंगा हूं तो कोई कौन ले थार देवड़ा होते दे तो माता जी एक काम करो ए जो को बाजू में बढ़िया है नी पागती ए थोड़ा 2-3 दिन पहली रहा है काले परसों तक चाल जाए पकड़िया है ए ले लो 20 रुपया किलो एकदम पकीड़ा है 1-2 दिन जो भी चल जावे मार तो आज चढ़ावना है पर 20 कोई भाव होवे कोई ने भाव खरेंडरी बहुत बीमारी हो 20 कोई भावे एड़ा पुराना हूं तो कोई 20 दे उनी 5 रुपया लगाए दे माता जी घरों थोड़ी खाओ तो बोल कितना लगाई नहीं नहीं माता जी 20 मुंह तो 1 रुपये कम कर लो अब तो नहीं है मुंह सस्ता चाहिए तो ए बच्चे थोड़ा गना गिल गिला पिल पिला है केड़ा है दबियोड़ा रस टपकता गिल गिला पिल पिला ए ले उने कई भाव है 5 रुपये रस सब जितना बिगला है पूरा 5 रुपया रो ऐ तो बता रही हूँ ये खराब और जाए कई 5 रुपया ले वे ये जी देवे कनी आगो ये हमारे हिंजा तो ये तू गायो आगे नो की गाय कौन खावे बास तो ला यूं ही दे दे के नहीं माता जी 5 रुपया तो ले ऊ माता जी हो जो सत्संग में चढ़ावना भले कोई नहीं 5 रुपया दो आगा 5 रुपया दे और थैले में घलाया अब वो थैला में घालिया ऊपर ऊपर रहा तो भेड़ ठीक नीचला तो 5-7 पहली फसर गया अब भाई जी एक हाथ नीचे और एक थैली माते धीमी धीमी चले सत्संग कानी बाईया मिली आज एड़ी होड़े होड़े कुकर चले मोच आएगी अब भेद तो देवे की कर अब गोलो चढ़ गयो पग दुखे धीरे 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 सत्संग में पहुंची जेटे कोई हाथ आठ चीकू ऊपर ऊपर चोखा रहा बाकी तो बटे सिरो मरन लाग गयो और व्यास पीट रहे भागे जार उबी एटी एटी जुए महाराज रो धुन तो कोनी महाराज कहो तो कहते जो खाली हाथ नहीं आवे उरी भगवान मनोकामना पूरी करे अब धीरे सीख में एक टोकरी पड़ी जिके में थेलो रगियो लागला चीकू भरासाई हो गया और हाथ पर जोड़ ए भागवत भगवान ए ठाकुर जी मर चोरन पन्ने 4 बरस हो गया एक पोतो दे दीजो एक पोतो दे दीजो 2-4 दिन कथा होगी महाराज जी जो विदा होने लगा कि 1 मिनट महाराज जी मारे एक प्रश्न है वो माता जी पूछे कि काई प्रश्न है के थे कयो के सत्संग में भगवान रे कुछ भी लार छड़ाई देवे तो मन की इच्छा पूरी होवे मांगे जो कोई के थारी भावना सच्ची है तो जरूर पूरी हो तो महाराज जी मैं की मांग यो तो पूरा हो जाए अब समय बड़ा बलवान कुछ ही समय में वार बीननी रे गर्भ ठेरियो और समय जो ही निकलियो सही समय आयो हॉस्पिटल ले गया डाबर हो गयो अब माता जी तो घरे बाट जो है 4 घंटा होया 5 घंटा होया 6 घंटा होया हाल तो मारे पोते रे हमाचारी को नहीं आया कोई भानी को नहीं करे हुयो गई है बाट जो है इतने में फोन आयो रिश्तेदारों को
बदाई जे दादी तर पोतो होई गयो राजी होई मन तो थाई जी मारा चीकू यो कोनी जावे मारे पोतो होईला मारा चीकू बिगड़े कोनी मारे पोतो होईला तो के तू तो मोड़ो की कर फोन करियो बीनी नी टाबल ठीक है के होयो तो कड़े ही है चिंता होईगी थी के कई चिंता हुई के वो जो पोतो होयो नी विने कांच री पेटी में राखियो है डॉक्टर साहब केवे वेरो ऑपरेशन करनो पड़ेला और वे में 5 लाख रो खर्चो हुए ना कितो खर्चो हुए ना 5 लाख एडो कही हो अरे वो हुयो है नी उरो माथो झुको है नी वो माथो है नी वो गिल गिलो है पिल पिलो है गिल गिलो है पिल पिलो है अब डॉक्टर साहब कहे के ऑपरेशन नहीं हुयो तो की भी हो सके अब टाबर नहीं बचावनो जरूरी ला गया 5 लाख रुपया होई गयो ऑपरेशन अबे मन में पश्चिम रोज री कथा कद होर कद जाऊं बेग बरे निकलिया महाराज लाई पाछा आ गया होई कोई बुलाए लिया होई कथा हुई आ तो पहले दिन ही पहुंच गई सीधी ब्यास पीठ कने कथा पचे क्या क्यों कही हो माता जी मैं थे कहो के भगवान रे की भी चढ़ावे तो इच्छा पूरी होए के हां तो मैं भी चढ़ायो तो मैं इच्छा हुई जो पूरी होगी पोतो होयो तो बच्चे कही है बच्चे क्यों पूछो पर पोतो होयो तो पोते रो माथो कमजोर निकलियो ऑपरेशन हो 5 लाख रुपया लग गया अच्छा तो तू कही चढ़ाया कि मैं तो चीकू चढ़ाया कि कहीं भावरा चढ़ाया कि 5 रुपये किलो वाला चढ़ाया केड़ा चढ़ाया चोखा जोरदार भगवान ने केड़ा अर्पण करिया के महाराज हाथ तो गिल गिला पिल पिलाई जा तो कहे कर्म प्रधान विश्व भाई हैंग अटीज है हमें अगला जन्म चबला जन्म की कोनी भगवान लैपटॉप लियोड़ो बैठो है तुरंत फैसला हो तुरंत एक हाथ देर एक हाथ ले तो अटी वही जो बात हो रही है अरे मोडिया कपड़ा मांगे बेटी मारे भरोसे जन्माई थी मोडियो मारे भरोसे बनियो मूछ मरे भरोसे मुंडाई अरे नहीं देनो तो मना कर देनो कोई ने टोंट क्यों मारना भाई और ठेको गुण दियो लेकिन नरसिंह जी ने कोई फर्क नहीं पड़तो क्योंकि नरसिंह जी ने तो जावण मु पहली ध्यान हो के जवाब कई मिलन वालो है वो तो पहली मु जानता कि जवाब कई मिलन वालो है पर ये संसार नाटक देखना जरूरी है और नरसिंह जी कहो भाई थोड़ी मर्जी केवड़ो मारो फर्ज है सुर नरसी चुपचाप है सुमरे श्री जगन्नाथ सावल देसी कापड़ो गिरधर चाल साथ साथ हमारे सिर धनी परमेश्वर परिवार साधु मायर बाप है सूर्या महारे लार इत्ता गणा मारा सूर्या मारे भेड़ा रोम रोम कर और जाऊं परा और तो विश्वास कौन है
और विश्वास केरे अंदर आया करे जिन्हें आपरे इष्ट पर पूर्ण विश्वास है। कैसी भी परिस्थिति हो मेरा इष्ट मेरे लिए वही करेगा जो मेरे लिए अच्छा होगा। भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से तो एक ही बात कहो, जे ही भी ते हो ते नाथ ही ते मोरा, आदत में मजबूर हो। अब कहीं है राम कथा मन बहुत अच्छी लगे, राम कथा करण में मारी बहुत रुचि है और बहुत आनंद है। भागवत जी करूं तो वो भी बहुत अच्छी लगे, मायरो करूं तो वो भी बहुत अच्छो लगे। तो राम कथा रो कटे कटे तड़को लागी जावेला, क्योंकि जो अंदर रस है स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, जो चीज अंतःकरण को सुख देती है वही चीज बाहर निकलती है। जो अंदर होगा वही तो बाहर होगा। हम अंदर से सुकून वाले होंगे तो हमारे पास बैठने वालों को भी सुकून मिलेगा, और हम अंदर से भरे हुए जल जलान कीन की होच दाने वा तो कन्ने बैठो यादव बीमार वे जूझ लागे असर। तो हर कथा में रस है, हर कथा में। बस जिसने व्यवसाय बना लिया उसकी हार है, और जिसने आनंद उठा लिया उसकी जीत है। दो ही तो रूप है। और अटे वर्णन आवे कि इष्ट भरोसो अति दृढ़ निकामी निकलंग, सुख सारण प्रभु आसरे नरसी सदा निसंक। जो भगवान रे आसरे है, इष्ट रे आसरे है, उन्हें कोई चिंता नहीं है। वो तो जो मेरा इष्ट करेगा वो अच्छा ही करेगा। नरसी जी फटाफट कहो भैया जमा, अपने बापा नहीं जावण, एक कपड़ो बिछायो और कहो भाई तुमड़िया गुमड़िया भी जी हेंग लियो, मोटी मोटी माले ली। अरे दादी हासुरे लिए तो सवा सवा शेर मणियरी माला लेवनी है, खूब सारी धन संपत्ति जो भगत रगन ने हो लंगोटिया के ब्याई जी ने लंगोटी बनावा। एक जैसे एक भूत सौ भूत बनाता है, वैसे एक भक्त चाहता है कि सारे संसार में मेरे इष्ट के भक्त ही भक्त बन जाए। भक्त भक्त बनाएगा, भूत भूत बनाएगा। आप अकटे जावानी कि ये चौरस मत एक्सीडेंट बहुत हो, क्योंकि जो दो चार पहली एक्सीडेंट होड़ा हुए नी अकाल मृत्यु में मरोड़ा न मुक्ति मिले कोनी, वाने तो मुक्ति भागवत कथा ही दे सके, बाकी कोई रस्तो ही कोनी। लोग कहे कि गया में, अरे गया में तो पितरों रो उद्धार हुए, भाई गया में भूतों रो थोड़ी उद्धार हुए, गया रो श्राद्ध तो धुंधुकारी रो उद्धार थोड़ी हुए, वहां भूतों का उद्धार नहीं होता, वहां पितरों का उद्धार। और भूतों का अकाल मृत्यु में गए लोगों का उद्धार तो मारी भागवत जी की कथा ही करे भाई। और इतने वर्णन आवे कि नरसिंह जी आप तैयारी में लागोड़ा, ये मैं तो हैंगा ने भक्त बढ़ा देऊ किने माड़ा देऊ किने तुमड़िया देऊ किने गुमड़िया देऊ किने की देऊ किने की देऊ किने लंगोटिया देऊ किने टोपिया देऊ, हैंगा ने के लाओ लाओ भरो भरो, गांव वाला हंसी कर रिया है। ओ हो ले जावे, देखो मर्दो नरसी में तो मायरो ले जावे, ये रे देवन लेवन ने की कोनी, ये तो खोटा गोटा खावे, ये ने चोखा जीमन भावे मगता है मगता। गांव का लोग बुराई करे इतने में लुगाई की मुंह नारे रेवे, लुगाई तो यू लारे लागोड़ी खुद तो बेड़ी जावे नहीं। और केवन लागी मेहता जी तो मोड़िया ने गेर गेर लावे, अरे एक ने बुलावे मुझे तो चार आवे रे हर की, अरे चूल्हा पाछे ठंडी रोटी रहे नहीं पावे, चूल्हा पाछे ठंडी रोटी रहन नहीं पावे, उसमें तो सवारे नीचे मांगड़िया कर लावे रे हर की, अरे उसी
सवारे नित पाकड़िया गलावे रे हरकी अर चाच बरबर पिसू ने तो कुंडा बरबर पो आज हर पर पिसू हो तो कुंडा बरबर पो पंचाई पिसिया मोटिया ने भूखा मरती रो मूर रे हरकी अर जाए पिसिया मोटिया ने भूखा मरती रो मूर रे हरकी उठे सवारे मुझा सपड़वाने जावे सवारे मोटिया तो सपड़वाने जावे अरे एक दो ये मोटिया से डूब की नीचावे रे हकी अरे एक दो ये मोटिया से डूब की नीचावे हरकी नावे ने दो मैंने मोटिया लंबा का टीका नावे दो तो मैंने मोटिया लंबा का टीका आई भी क्या मोटिया रा दर्शन लागे निकार जाए पिता मोटिया का दर्शन लागे निकार आपरी सखियों ने बुलाई ए चंपा चमेली अटिया मैं तो हैरान होगी मोडियम अरे मर लाल जिम रखिए पॉप हो के मर भीन मिलिया है एड़ा मोडियरी टीम तैयार करी है आ मंडली कोरी रोटी 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 करे छाजा भर भर पीसू बच्चे ये कुंडा भर भर रोटियां पो अरे लपक लपक सब खा जाओ और मैं इतनी बनाऊं और बनावन रे बाद भी जद मन्ने भूख लागे एड़ा धाप धाप जी में मोड़ियो कि मैं अगर देखूं कि चूल्हा करने कोई रात की रोटी मिल जा पर मगता छोड़े तो मिले ए धापे तो मन्ने मिले एड़ी मारी हालत होई है इमु तो मेरे बाप रे घर में कुंवारी रहती कन मने कोई मिंदर छडाए देउ ता तोई होरी रहती केड़ी जगह मने पन्ना ये मर तो जमारो बिगड़ गयो अरे नी ए रोज सुबह नावण जावे मैं भगवान ने हाथ जोड़ू के हे भगवान ए नावण जावे ए सत्रह जावे सोलह जावे पंद्रह आवे रोज को एक मोड़ी मर जावे पर भगवान भी मारो दुश्मन है मारी सुने कोनी ए सत्रह जावे अठारह आवे अठारह जावे उगनीस आवे उगनीस जावे बीस आवे और इतने में पूरो कोनी होवे नावे धोवे और पच्चे घरे परा लामा लामा टीका गाड़े ए मोटियो मोटियो गर्द में पेरे तुलछीरा माड़ा एड़ी हैरान होई हो एड़ी हैरान होई हो इतने में ही नेचो कोनी ये रे ठाट देखो की करे कोनी मारो खून पीवर ठाट देखो ये ना अरे खावा ने तो खीर खिचड़ी बैठ वाले बात वाले तो खीर खिचड़ी बैठ वाले बात अरे जाया की क्या मोटिया रा दूरा दूरा ठाट जाए के क्या मोटिया रा दूरा दूरा ठाट देखो 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 यार मुंडा देखो अरे बड़े बैठे जाए पाटो चीजे अरे खावे जने के ओ भावे कोनी खीर खींचनी चाहिए ठाट देखो मारो खून बाले और की कोनी नरसी जी हूरियो ने के बट ध्यान मत दो इरो रोज रो काम है खेतर तुमड़ियो कुमड़ियो जमा जमावन लागे भेर कोई कोई गुड़ जावे भेर बराबर रखियो बच्चे नरसी जी इतने में कहो भाई अबे अपने खास ने बिटावना है अरे सारा रे बीच में धरिया मदन गोपाल अरे एवड़ तेवड़ मेली नरसी मेरे डंग ताल भाई हालक राम जी है गुड़क जा तो की हवल राकना पड़ी आजू बाजू में मृदंग ताल बीजी रहेंग जमाए दी के भाई गुड़के में अब आसन कटे रखे आसन कटे रखे सवा मण गोपी चंदन खड़ियो भरियो अरे जमाई तो ठाकुर जी को सिंहासन धरियो रे हरी पर मैं ताइन हाल चुप कोनी हुई आ तो बोलती जा रही है
आखिर में कह बैठे हैं बैठो इन्हें हूं चुप कराऊं एक मिनट। और नरसी जी कहो अरे बोली रह जा चुपकी रह जा घर की तू नारे बोली रह जा चुपकी रह जा घर की तू नारे अरे आके चले गाड़ो लीने सूर्या लारो लारे आके चले गाड़ो लीने सूर्या लारो लारे अरे क्षण में पहुंचा सीधा पुर नगर अंजार अरे चीनी में पहुंचा सीधा पुर नगर अंजार अरे इतनी काई बोले तू तो बड़का बोली जा बोली जो पीना तो मारी मुकसीना हो हसी अरे मोडिया पीना तो मारी मुकसीना हो हसी अरे सतुड़ारी टहल करी जो चलो मारे लारे सतुड़ारी टहल करी जो चलो मारे साथ साथे जो चलो तो जी मन जी मोदी में चार हसी अरे साथे थे चालो तो जीवन जी मोदी ने चार हसी अरे भक्त तब चले प्रभु सारे सब काज तब चले प्रभु सारे सब काज रानी भाई ने माहिरानी सब रंग लाज सीता राम जी ने लाज राधे राम जी ने लाज जय नारायण हरि हरि इतनी बोल मत मायरो तो भरणियों भरे बेड़ी हालती हुए तो हाल भी चार दिन बढ़िया जीमन जीमा हूं आनंद लीजिए। अरे थर ये औंदलरो ध्यान कूड़ राखी नरसी के थने को नहीं क्यों राकण रो तेल तो करेला मारो सिर जनहा पाचो लिख लो। अबे नरसी बोलिया के वही जी करेला देखो किकर जवाब आवे इन बार जवाब को नहीं आवे इन बार वो खुद आवे क्योंकि वो कहो देखभाल करेला मारे आंदलो ने हमारेला तो किकर आवे देखो जुई रवाना होया गांव वाला खिखी खिखी हंसी उड़ावे ओहो जावे मायरो ले ए लोटियान घुमड़ियार तुमड़िया थोड़ी घड़ी जे गिनाए तरी नजरों में इज्जत होवेला नी ओई पट करावे। नरसी जी तो लई रवाना होया और कहीं हो आल तो गांव में बाहर नहीं निकले जेटा गाड़ी चटड़ 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 अब जूना जूना लगाएड़ा चक्का दूजा सब और पाग बाड़ा किता चर चर करती चले माडाणी हाडाणी गांव बाहर तक जावे तो बड़े वो तुमड़ियों को टेडी मेडी चले तो तुमड़िया गुमड़िया नींज गिरे और गिरे जड़े सूरदास ज्ञानदास ध्यानदास माते अरे नरसी जी धीरे चलाओ धीरे चलाओ धीरे चलाओ अरे मातो बागी मातो बागी मातो बागी मात अर 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 रुको रुको आका कर ओ नरसी जी अबे माता को नहीं भोड़ी जी फेंको तो मैं पैदल चला अरे पैदल कभी पहुंचा नरसी जी तो बैलिया चमका में सूर्य ने के रोम रोम करो सावल ने पुकारो गड़ हो चुनो ने गांव मु थोड़ा कुबारे निकलिया वाला तो दिखना बंद होया पर जुई बार निकलिया गाड़ी चर अब ओ नरसी जी ओ तो पागो निकल गयो तुमड़िया गुड़ गई। अरे मारे ठाकुर जी तो ठीक है गए तो बड़े जमी उड़ा बैठा है ए बैठा है जने अपने पाचे बैठो दे चिंता मत कर अब कई करा के करनो गई यकीन की रस्तो निकली सोच रिया है रे सावल संसार रो तो काम है हंसी उड़ावनो मार की फरक पड़े कोनी पर तेम मते नहीं पहुंचिया नहीं तो थारी भांजी रो ब्याह में थारी बेंदरी मजाक बन जावेला जावनो जरूरी है रे हाथ में मृदंग ताल लीवी और नरसी जी केवन लागा कि सावल अब मने थने तकलीफ देवनी पड़ेला मैं बहुत कोशिश करी तकलीफ नहीं देऊं
पर अब तकलीफ देवनी पड़ेला। और राग केदार गाए और ठाकुर ने पुकारन लागा नरसी जी। रे प म प ध नि ध प म प सा नि ध प र म प म ग ग स रे स दर्शन दो घनश्याम नाथ गोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ गोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दो केदार गायो कयो एक रागीर दिखाई दियो। लेकिन देखो सच्चो भक्त कौन है जो भक्ति ने पचा सके। पचावनी दूरी है कठे आडंबर बन छलक जाई। लेकिन सच्ची भक्ति तो सदैव आंख से छलकती है। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहे मीरा। मारो नाम लेते हुए अगर कंठ रुंध जावे आंख में आंसू आ जावे समझो भक्ति रो जीवन में प्रवेश हो चुकी।
स्वयं भगवान राम कयो है राम कथा। तो नरसिंह जी अब नरसिंह जी जाने को नहीं कि केदार जग गांव ते कौन आ सके है? लेकिन पोल थोड़ी खोलनी है। आप अगर कथे रामलीला देखने जावा और रामलीला में आपनों कोई खास मित्र हुए जो हनुमान जी को रोल करियो हुए, अपन ध्यान पड़े कि हनुमान जी तो वही बनी ओड़ो है, तो कहीं आप पब्लिक में बैठा जोर कहो अरे लखनलाल तू तो हनुमान जी बनी ओड़ो चोखो लागे केवे कोई पोल थोड़ी खोली जे हनुमान जी कौन बनी ओड़ो रहस्य रहना चाहिए। तो लीला में जैसे रहस्य रहना चाहिए, भक्त का कर्तव्य है कि परमात्मा की जब कोई लीला हो रही हो तो उस रहस्य को बरकरार रखे। यही किसने किया? भगवान शिव ने। जब सती के साथ कुंभज ऋषि से कथा सुनकर आ रहे थे तो राम जी लखन जी के साथ वियोग करते हुए रोते हुए सीते सीते करते हुए ढूंढ रहे थे, बहुत इच्छा थी उनकी की दर्शन हो, कथा सुनकर आया हूं, लेकिन सामने नहीं गए, वहीं से प्रणाम कर लिया, क्योंकि मेरे परमात्मा लीला कर रहे हैं, अगर मैं जाकर मिलूंगा तो उनका भेद खुल जाएगा, लीला में विक्षेप हो जाएगा। यह भक्त की परिभाषा है। तो वर्णन आवे कि जब राहगीर ने देखियो तो राहगीर नेड़े आयो भक्ता प्रणाम, वेशभूषा से सब भक्त है रे तो नरसी है। अरे भारत की तो संस्कृति है, यहाँ कपड़ों को भी प्रणाम किया जाता है, वेशभूषा को भी प्रणाम किया जाता है। अब जो ये वेशभूषा और कपड़े धारण करते हैं उनका कर्तव्य बनता है कि लोगों के विश्वास पर खरे उतर जाए। हमारी संस्कृति की तो बात ही और है। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश गए उनका पहनावा इतना सभ्य था, कद काठी चेहरे पर तेज, एक विदेशी महिला आकर्षित हो गई, आकर्षित हो गई, कितना सभ्य पुरुष है। उसके मन में आया काश इसका और मेरा विवाह हो जाए। अब कहे कैसे, नजदीक गई, प्रणाम किया और कहा महाराज जी आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं चाहती हूं आपका और मेरा विवाह हो जाए और आप जैसा ही बेटा मेरे हो जाए। अब कोई ये तो देखो कितने बड़े गुरुदेव का शिष्य, हाँ या झट से भटकने वाला थोड़िया, अगर कोई ज्या त्या को हो तो क्या तो आवरी आवरी बढ़िया ही है। लेकिन देखो हमारी संस्कृति में हमारे धर्म में कितनी शक्ति है। विवेकानंद जी का जवाब इतना सुंदर था, विदेशी महिला से कहा देवी क्या गारंटी है कि शादी के बाद जो बेटा होगा वो मेरे जैसा होगा। हमारे शास्त्रों में हमने देखा हिरण्यकश्यप के पहला दुआ है, कोई अगर बेटा भक्ति भाव का है तो पिता उल्टा है, पिता उल्टा भक्ति भाव वाला है तो फिर घर संतान उल्टी आ जावे, कोई गारंटी नहीं है। तो भी देवी ने कहा कि माता विवाह हुआ छोड़, तू मुझे ही अपना बेटा मान ले, फिर देख तेरे मेरे जैसा बेटा हो गया। ये भारत की संस्कृति है। सोचो यहाँ पर बलात्कार होते हैं, लड़कियों को छेड़ देते हैं और यहाँ पर चोरी चकारी व्यभिचार शराब पान, ये भारत की संस्कृति है। जब परीक्षित के पास कलयुग आया और परीक्षित ने कहा कि तू जहाँ मदिरा पान होता है वहां रहे, जहाँ जुआ खेला जाता है वहां रहे, जहाँ पर स्त्री गमन होता है वहां रहे, कलयुग बैठ गया। परीक्षित के राज्य में तो ये सब होता ही नहीं है, ये तो धर्मात्मा का राज्य है, हमारे देश में ये नहीं था।
और इसी जड़ को समझने के लिए तो मायरे का आयोजन हुआ कि ये नकारात्मकता इतनी फैल क्यों रही है। ढाई बजे से इसकी पूर्ण जानकारी थोड़ी देर के लिए स्वयं त्याग मूर्ति जी महाराज अपने मुख से देंगे। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हमारी संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत है, लाखों आए लाखों चले गए और आज भी, और इसके रक्षणकर्ता परमात्मा प्रकृति के माध्यम से किसी ना किसी को सदैव खड़ा करते रहेंगे। जैने राम रखे बिन कुड़चे आखे भाई। तो यहां वर्णन आता है, राहगीर कहो के संतो खिद जाओ, थोड़े मन ही बैठा दो, कनी पग दुखन लाग गया। नरसी जी के मोर तो खुदरे टोटा पड़े फड़िया थोन बेहोड़ो, मोरी तो हालत खराब है थोन गेत बेहोड़ो। अरे महाराज नामती को थे तो सब नरम हृदय राहो मन बिठाओ, अरे बिठाओ तो घने ही भाया क्यों कोनी बिठाओ। वो आग्रह कर रियो है वे ना ना कर रिया है, राहगीर केवन लागो गली में दूर सुदौड़ियो थारी गाटे नीरे लार बगच थारी गाटे नीरे नार गाड़ी में बैठा ले माता रावणो है ना दे रे पंजाब गाड़ी में बैठा ले माता रावणो है ना दे रे पंजाब गड़ी दूर सुदौड़ियो है सर गाड़ो बाबा तारे गानो ले ले गाड़ी में बैठो जाना है नगरी अजार, गाड़ी में बैठा ले बाबा जाना है नगरी अजार। कपड़ा नाय बटे सीना मरसी ओडर कपड़ों नाय बटे सीना मरसी गाड़ी बैल पुराना है, गाड़ी बैल पुराना पैदल चलो न जाए भगत बस पैदल चलो न जाए, गाड़ी में बैठा ले बाबा जाना है नगरी मैं तो खुद सिया मरा भैया थारी हालत खराब हो जाए तो भगता थे जाओ ही दो कटे जा रही हूं के भाई दोईतरी रो ब्याह है मायरो भरण जाओ नानी रो मर छोरी रो मायरो भरण जाओ तो मने ले जाओ। रागीर सोचे थोड़ो लालच दे देखू तू चालर कहीं करेला नानी बाईरो भात भरने चालू लो बाईरो भात भरने चालू लो सवा पाव लो चाय पानी में डालू लो सवा पाव पानी नानी नहीं डालू लो अरे नानी बाईरो भात भरने चालू लो नानी बाईरो भात भरने चालू लो सवा पाव लो चाय पानी में डालू लो बावलो जाए थली में घालू लो चार बिना तक चौथा जी मन हो चार बिना तक चौथा जी मन री मन हार भगत मार जी मन री मन हार गाड़ी में बैठा ले बाबा जाना है नगर जा गाड़ी में
स्वामी मैं तो की लाया को नहीं, कम से कम सवा पावलो तो दिखेला। नरसी जी जब वापस नहीं बोलिया, ज्ञान दास जी मानदास जी ने बेम हो गई, अगर इन्हें और बिठाई दी तो मेरी हालत खराब हो जाए। ज्ञान दास जी को नरसी जी तो कहीं हो, ज्ञान दास जी बोलिया ओ गाड़ी तोड़े ला, दास जी बोलिया तुम बड़ा तोड़े ला, दास जी बोलिया तुम बड़ा तोड़े ला, सोचियो कि मड़ियों मनाड़ो काम बिगड़ रही हो। अरे होयो कहीं है, अरे देखे को नहीं मोरी गाड़ी, अरे मारो अरिज तो काम है। थारो काम है मतलब कौन है तू? किसनो मारो नाम जासरो में खाती, किसनो मारो नाम जासरो में खाती, चोली मासू काट बासला और पाती, चोली मासू काट बासला और पाती, जड़ी पुलिस में चक्कर दो, चिंतारी कोई बात नहीं है, गाड़ी जे मोरे सुधार भगत तारी गाड़ी मेरे सुधार, गाड़ी में बैठा ले बाबा जाना है नगरी जा, गाड़ी में बैठा ले बाबा जाना है नगरी जा। आई की बात है, और तो मारे बाएं हाथ रो खेल है, बला बलारी गाड़ियां मैं ही जी ठीक करी हूं, गाड़ी चलाऊनी है मैं ही जू, और तो खोटो बहम है कि मैं नहीं हूं तो कई हुई है, और जीव खोटो बहम है, ये जीव रो खोटो बहम है कि मैं नहीं होऊंगा तो क्या होएगा, की कौन होगी कुछ नहीं होगी, आज सृष्टि रो क्रम यू ही चलता रहे भाई, गड़ा गड़ा के सत्संग में की कराओ मरण नहीं टेम कौन कहे कि नहीं कहे, अरे मरना टेम कोनी जो मैं मरना पड़ेला, टेम नहीं होई तो ही मरना पड़ेला, कोई के मर दुकान कुन चलाई, कोई के मकान कुन संभाली, अब आरा जाओ प्रा देखो दुकान भी चल जाए मकान भी चल जाए, कुछ नहीं रुकता भाई कुछ नहीं रुकता, तो आज काम है गाड़ी ठीक कर लो, अब आर करूं एक सेकंड में, और घोसला पाटी निकालिया जोड़ी में, तो मारो नाम किसनो खाती है गाड़ी ठीक करने काम है, और जुई जुई आ बात कही नरसी के पक्को ठीक करेला, अरे सिर्फ गाड़ी ठीक कोनी करू थे मन बैठा हो तो मैं फ्री में कौन बैठू, मैं मजूरी भी कोनी ले नरसी के मोरकन है कही जुदू, और गाड़ी ठीक होने बाद मैंने बिठावला नहीं ता गाड़ी थोड़े को नहीं चलावनी पड़े, ए बेलिया मैं चमकाऊला आगे बैठ मैं किच 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 करूला और गाड़ी चलाऊला, पक्की बात क्या? हाँ अब नरसी जी तो कर ठीक, भगवान भोसला पाटी निकालिया और गाड़ी रे कने ले जा, जुई गाड़ी में भोसला पाटी ने स्पर्श करिया,
स्पर्श करते ही टूटोड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी, टूटोड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी, कंठी गावे भजन सुने खुद शाम धनी, कंठी गावे भजन सुने खुद शाम धनी, किसनो हाथी करवा लागो, किसनो हाथी करवा लागो, बगदारी मन हार, भगवत बगदारी मन हार, गाड़ी में बैठा ले बाबा, जाना है नगरी अंजान, गाड़ी में बैठा ले बाबा, जाना है नगरी अंजान। स्पर्श होते ही गाड़ी तो हवाई जहाज चढ़ फूट रही होगी, और गाड़ी में गति भी हवाई जहाज चढ़ी, हवाई जहाज ही मेरे में तो कम धीरे होते, और बूटा बेलिया जवान और मुंडा में आ गया दांत, क्योंकि भक्तरो संग करण वालो सदैव चमक तो रहे भाई, ए बूटा भी जवान हो गया देख लो, एक कांति सी छा जावे जीवन में, प्रकाश ही प्रकाश आ जावे, गाड़ी विमान जेड़ी हो गई, भगवान आगे बैठ गया, हाथ में लिया और बेल चमका लिया है, और नरसी जी आज रोज तो सालग्राम जी में सुनाता, लेकिन आज स्वयं सावण बैठे नरसी गावे भजन सुने खुद श्याम धनी, और थोड़ा आगे जावे नहीं, भगवान मनवार करे भगत थकिया तो कोनी, और हमी देखो पीपल रो ओटलो बढ़िया है, थोड़ा उतरो तो आडा हो जाओ, मैं थोड़ा पग दबा दूं, मैं भगतन को दास, भगत मारा मुकुट मणि, मुकुट मणि है मार भक्त, उमारे वास्ते काई नहीं करे, कबीर लिए काई करियो, सोचो आप एक एक भक्तरी कथा सोचो, नाम देव रे लिए काई करियो, कर्मारे लिए काई करियो, एक एक भक्त ने याद करो, अरे एडा कुन सा भगत जठे हरि नहीं आया, 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 मनमोहन मुस्काय पकड़ मोटा पाया, मोहन मुस्काय पकड़ मोटा आया,